हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको शावर कैप बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसको मैं फोर फोल्ड कर दूंगी। ये दो फोल्ड और ये फोर फोल्ड। अब मैं इसको इंची टेप में नापूंगी। ये फोर फोल्ड है फ्रेंड्स, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हमें नाप लेना है। कॉर्नर पे रखिए और 7.5 पे एक निशान लगाइए, ये देखिए। और कॉर्नर पे ही रख के हम नाप लेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे रखेंगे और कॉर्नर पे ही दबा के रखेंगे और 7.5 पे निशान करेंगे। ये देखिए 7.5 पे। आप चाहें तो 7.5 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, 8 या 8.5। मैं 7.5 ले रही हूँ। ये देखिए, हमें राउंड शेप में इसको कट करना है। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब मैं इसको कट करूंगी। अब ये मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब आप देखिए, ये राउंड शेप में कट हो गया है। अब इसी नाप से हम एक प्लास्टिक कट करेंगे। ये फ्रेंड्स, दो प्लास्टिक कट करनी है, दो लेयर है मेरे प्लास्टिक के। ये देखिए आप, दो लेयर है, 1 एंड 2। आपने जो राउंड कपड़े को कट किया था वो प्लास्टिक के ऊपर रख दीजिए और कट कर दिए। ये मैंने राउंड शेप कट कर लिया है। अब मैं नीचे प्लास्टिक रखूँगी एक, ऊपर कपड़े वाला राउंड, और कपड़े के ऊपर प्लास्टिक वाला राउंड रखूँगी, ठीक है। कपड़े का लेयर बीच में जाएगा। अब हमें पूरे गोलाई में सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने सिलाई कर ली है, आप देखिए पूरे राउंड में मैंने सिलाई कर ली है। आप भी ऐसे ही राउंड में सिलाई कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, किनारियों को हमें मोड़ना है, अंदर की साइड पूरे राउंड में ऐसे किनारी को मोड़ना है, ठीक है। जैसे हम नाड़ा डालते हैं वैसे थोड़ी जगह रहनी चाहिए और ऐसे थोड़ा जगह छोड़नी है, जैसे हम नाड़ा डालते हैं वैसे। अब मैं इसको इलास्टिक डालूंगी इसमें। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से नाप लेके इलास्टिक डाल दीजिए। मैंने इसमें डाल दिया है, और जो खुला भाग जो है उसको हम अंदर की साइड मोड़ के सिलाई कर लेंगे। इसको अंदर की साइड मोड़ के पूरा सिलाई कर देंगे। यहाँ पे सिलाई करनी है, आप सिलाई कर लीजिए, फिर देखिए ये कैप मेरी अच्छे से तैयार हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।